देश और दुनिया में तहलका मचा रही फिल्म KGF 2 तो आपने देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये फिल्म आपको एंटरटेनमेंट के एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाली है, साथ ही इसके पार्ट 3 के लिए भी आपकी उत्सुकता बढ़ा देगी। तो चलिए हम इस फिल्म के उस खास किरदार की कुंडली खोलते हैं जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है। ये खास किरदार है फिल्म का खूनखार विलन गरुड़ा राम, जिनका असली नाम रामचंद्र राजू है। तो हम आपको रामचंद्र राजू की असल जिंदगी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। KGF फिल्म में खूंखार विलन की भूमिका में दिखने वाले गरुड़ा राम का असली नाम रामचंद्र राजू है। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत ही KGF 1 से की थी। बाद में उन्हें कई तमिल तेलुगु फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। KGF में भले ही रामचंद्र राजू यश के खिलाफ होते हैं, लेकिन असल लाइफ में वो रॉकी यानी यश के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। अब आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर एक बॉडीगार्ड को इतनी बड़ी फिल्म में रोल कैसे मिल गया। दरअसल जब प्रशांत नील यश को KGF की स्क्रिप्ट सुनाने उनसे मिलने पहुंचे थे, तो उसी दौरान उनकी नजर अभिनेता के बॉडीगार्ड पर पड़ी। निर्देशक प्रशांत नील को रामचंद्र राजू का लुक इतना पसंद आया कि उन्होंने उसी वक्त अपनी फिल्म का निगेटिव रोल रामचंद्र को ऑफर कर दिया। फिर क्या, रामचंद्र राजू ने KGF 1 में गरुड़ा राम बनकर अपना खूनखार रूप दिखा दिया, जो कि फिल्म के पहले पार्ट में दिखाई देते हैं। जिसमें यश उसे मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं KGF 2 में खौफनाक विलन का रोल संजय दत्त ने किया है, जो अधीरा के किरदार में है। हालांकि फ्लैशबैक में गरुड़ा की कहानी को दिखाया जाता है, ऐसे में KGF 2 में भी रामचंद्र राजू कैमियो रोल में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इस फिल्म में एक विलन बनकर रातों रात रामचंद्र की किस्मत बदल गई है और अब उनके पास फिल्मों के ऑफर की कमी नहीं रहती। राज राजू अभिनेता पवन कल्याण और राणा डिगुप्ती स्टारर भीमला नायक में भी दिखाई दिए थे। उन्होंने फिल्म में एक कैदी का रोल निभाया था। वे रश्मिका मंदाना और कार्ती स्टारर सुल्तान से तमिल में डेब्यू कर चुके हैं, जबकि महासमुद्रम में उन्होंने तेलुगु में एंट्री ली थी। इन दिनों वे जाना गाना माना तमिल फिल्म और स्टाम्बम 2 मलयालम में बिजी हैं। दोनों फिल्मों की शूटिंग जारी है। कहते हैं किस्मत कब किसकी बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही हुआ है रामचंद्र राजू के साथ, जिन्हें आज KGF फिल्म के जरिए देश ही नहीं दुनिया में पहचान मिली है। तो आपको रामचंद्र राजू का गरुड़ा रूप कैसा लगा, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।